नरगिस बेटा, चाहे कुछ भी कहो, गैर होकर भी गुलफाम में अपनापन बहुत है। कुछ ही दिनों में तो उसने हमारा दिल जीत लिया है। हमने तो उसे अपनी औलाद मान लिया है। इतनी शरीफ है, माशाल्लाह खानदानी लड़का है। जब उसने अपनी जिंदगी की दास्तां हमें सुनाई, हमारी तो आंख भर आई। हमने बहुत रोका कि हमें आंसू ना आए, पर दो चार कथे गिर ही गए। अम्मी, इतनी जल्दी किसी पे एतबार मत कीजिए। आय है नरगिस, तुम्हें तो आदत हो गई है सब पे शक करने की। अरे बेटा, थोड़ा हंस बोल लिया करो। अम्मी, आपसे दो कोई मीठे बोल बोल ले, आप उसी के ही हो जाती है, उन्हीं के ही गुनगान गाने लगती है। तो इसमें गलत क्या है? तो इसमें अच्छाई क्या है? हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर पत्थर हीरा नहीं होता। अरे ठीक है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर चमकता हुआ पत्थर हीरा नहीं होता, पर नजर भी तो कोई चीज होती है ना। हम अच्छे और बुरे को पहचान लेते हैं। अम्मी, आप अच्छे बुरे को नहीं पहचान पाते, अब हम आपको क्या समझाएं? अरे अहमद बेटा, ये बताओ, कलकत्ता में सब खैरियत तो है ना? जी अम्मी, सब खैरियत है। आज सुल्ताना से हमारी टेलीफोन पर बात हुई थी, बच्चे भी खैरियत से हैं और उन्होंने आपको आदाब कहा है। सुल्ताना हमसे कह रही थी कि इस बार जब कलकत्ता आइएगा तो नरगिस को जरूर लेके आइएगा। अरे हम कहाँ कलकत्ता जा पाएंगे, फैजल की पढ़ाई और मासूमा की देखभाल से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। आदाब, आदाब। अरे आदाब गुलफामिया, तशरीफ रखिए। आदाब आदाब बेटा। अरे बेटा, हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। जिक्र अच्छा भी होता है और बुरा भी। आप हमारा कौन सा जिक्र कर रहे थे? अरे भाई, हम लोग आपकी बुराई क्यों करेंगे, हम आपका अच्छा ही जिक्र कर रहे थे। हमारे दोस्त आपके घर नैनीताल गए थे और वो तो आपके अब्बू की बड़ी तारीफ कर रहे थे। बल्कि जैसे ही आपके अब्बू को पता चला कि डिप्टी साहब का इंतकाल हो गया है, आपके अब्बू तो रोने लगे। वो बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने हमारे दोस्त की बहुत खातिरदारी की, खाना वाना खिलाने के बाद ही रुखसत किया। और भाई, आपके अब्बू ने कहा कि डिप्टी साहब के बच्चों ने डिप्टी साहब का किया हुआ वायदा निभाया। बेटा, हर औलाद का फर्ज होता है कि वो अपने वालिदैन के वादे को निभाए, फिर चाहे उनकी जिंदगी में या फिर उनकी इस दुनिया से रुखसत होने के बाद। ये तो नेक लोगों की पहचान है। गुलफाम मियां, तुम जब तक यहाँ रहना चाहो तब तक रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, और जब तुम्हारा दिल करे तो पढ़ाई पूरी होने के बाद चले जाना। हाँ बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो कोई तकल्लुफ मत करना, मांग लेना। कुछ लोग तो अब तक हम पे शक करते हैं, हमें गैर समझते हैं। बेटा, तुम शाकरा की बात कर रहे हो ना? बेटा उसकी बात छोड़ो, वो तो ऐसी ही है, सब पे शक करती रहती है। वो बड़े घर की बेटी है ना, नवाब साहब की बेटी। नहीं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। अहमद बेटा, जब तुम नहीं होते हो ना तो गुलफाम बड़े ही जिम्मेदारी के साथ हमारे बाहर के सारे काम कर लेता है। अरे वाह। और हमसे आकर कहता रहता है कि अम्मी कोई काम हो तो हमें जरूर बताएं। ठीक है अम्मी, हमें बाहर जाना था, अगर बाहर का कुछ काम है तो हमें बता दीजिए। बाहर कहाँ जा रहे हो? मैं अमीनाबाद जा रहा था। अच्छा अच्छा। नहीं बेटा, अभी हमें अमीनाबाद से तो कुछ मंगवाना नहीं है, कुछ मंगवाना होगा तो हम बता देंगे। आपको तो कुछ नहीं मंगवाना है? जी अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मी, तो फिर मैं चलता हूँ। आदाब। 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 बड़ा ही नेक दिल लड़का है ये।
बात सोच लो गुलफाम, हम इतनी जहरीली औरत है ना कि जिसे एक बार काट लें उसके पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो पानी मांग सके। घाट घाट का पानी पिया है हमने, हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सीधे साधे शरीफ लोगों को बदनाम करके आप क्या हासिल कर लेंगे। जैसा आपने लोगों के बारे में बताया था वैसा तो ये लोग लगते नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? हम तुझे पैसे किस बात के देते हैं? उन लोगों की बदनामी करने के लिए, और तू अपने ही मुंह से उन लोगों की तारीफें किया जा रहा है। और तू अंधा हो गया है क्या जो उन लोगों की बुराइयां तुझे नजर नहीं आती? तुझे जिस काम के लिए हमने यहां बुलाया है ना वो काम कर। वही तो काम कर रहा हूं मैं। तेरा काम में दिल नहीं लग रहा है? तूने तो अपना दिल किसी और ही कामों में लगा लिया है। बेगम बादशाह की मीठी मीठी बातों ने शैतान को इंसान बना दिया क्या? मेरा शैतान अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जो इन लोगों के साथ कर रहा हूँ ना वो गलत है। क्या गलत है और क्या सही उसका फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। ठीक है, आपको जो समझना है समझिए, पर मैं अपना काम जरूर पूरा करूंगा। ये बताओ कि नरगिस से नजदीकियां कितनी बढ़ाई तुमने और उसके करीब कहां तक पहुंचे? मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत करीब जाने की, उसके पूरी हदें पार करने की। न जाने नरगिस किस मिट्टी की बनी है, उसको जरा सा भी हमारी बातों का असर नहीं होता। मैं हर तरीके से कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर भी वो हमारे बिछाए हुए जाल में फंसती है। अगर वो चालाक है तो तू क्या बेवकूफ है? वो इस जाल में नहीं फंसती तो कोई बड़ा जाल फैला। मछली कभी ना कभी तो जाल में फंसेगी। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको बिकना होगा कसाई के हाथ। अरे मैं जिस बात के लिए यहाँ पे आया था वो बात तो मैं आपसे कर ही नहीं पाया। मैं बहुत डरा हुआ था जब अहमद भाई ने अपने दोस्त को भेजा नैनीताल मेरे नकली बाप से मिलने के लिए। अगर उन लोगों को जरा सा भी शक हो जाता मेरा बना बनाया खेल खत्म हो जाता। उसका इंतजाम तो हमने कर लिया था, किसी को शक नहीं होता। और नकली बाप का इंतजाम तो हमने ऐसे किया था कि असली बाप फेल था। नैनीताल के सबसे फेमस थिएटर आर्टिस्ट को बुलाया था और उसे मुंह मांगी रकम दी थी और उससे कहा था कि ऐसी एक्टिंग करना कि उन्हें यकीन हो जाए कि तुम ही उसके असली बाप हो। अहमद की इस चाल ने पैसे बड़े खर्च करवा दिए। पैसा खर्च हुआ तो कोई बात नहीं, जीत तो आपकी हुई। बड़े तहकीकात करने चले थे। हारना तो हमें पसंद ही नहीं है, हम हमेशा जीतते हैं, चाहे जीत हासिल करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। वैसे ये बताओ कि तुम्हें और कितने दिन लगेंगे उस बेलगाम घोड़ी नरगिस को अपने काबू में करने के लिए? और अगली चाल क्या है तुम्हारी? चाल तो बहुत सोच समझ के चलनी पड़ती है, हर कदम मैं सोच समझ के उठाता हूँ। इतना आसान काम समझ रही थी ना, उससे कई ज्यादा मुश्किल काम है ये। जब तुम हमसे पहली बार मिले थे तो तुमने कहा था कि ये हमारे बाएं हाथ का खेल, हमने सैकड़ों लोगों को ठिकाने लगाया, अब तुम्हारे वो वादे कहाँ गए? रकम तो तुमने बड़ा मुंह खोल के मांगा था। एक बात सुन लो गुलफाम, हमारा राज जानने के बाद हमारा काम मुकम्मल नहीं किया, क्या हमसे कोई गद्दारी की ना तो सजा देने में हम कोई कंजूसी नहीं करते? ठीक है मैम साहब, गद्दारी मेरी फितरत में नहीं है, जिसे पैसे लेता हूँ उसे दफा करता हूँ। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। बच्चे कहाँ हैं? फैजल स्कूल गया है और मासूमा को फत्तो ले गई। और सब घर में कैसे हैं? हाँ अम्मी ठीक है, और अहमद भाई कल ही कलकत्ता से आए हैं। और शाकरा भाभी की क्या हाल चाल है? हमसे बेहतर तो आप जानती है। आजकल उनकी नई नौटंकी क्या चल रही है? रोज उनकी नई नौटंकी, नया नाटक, उसके बगैर तो शाकरा भाभी रह ही नहीं सकती। अगर उन्हें नाटक करने का इतना ही शौक है तो कोई नौटंकी नाटक मंडली क्यों नहीं खोल लेती? रोज नाटक दिखाएं और इनाम पाएं।
ये घर में रोज रोज तमाशा करने से क्या फायदा? हम तो बड़ी अम्मी की वजह से चुप हो जाते हैं, नहीं तो हम उसे इतना सुनाए कि वो एक बोले तो हम उसे 100 सुनाए। वो पागल हो जाएगी, अपना सर नोचेगी, कपड़े फाड़ेगी और इस घर से बाहर जाएगी। अरे नसीमा बाजी, आप उन्हें पागल करेगी, वो आपको पागल बना देगी और सब बच्चों को कहेगी ये नसीमा बाजी है, इन्हें पत्थर मारो। तुम लोग डरते हो इसलिए वो तुम्हें डराती है। नसीमा बाजी, जहाँ आपकी सोच फिक्र खत्म होती है वहाँ शाकरा भाभी की शुरू हो जाती है। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही, झगड़ा करने में उसकी अक्ल बहुत तेज चलती है। तुम्हें मालूम नहीं नरगिस, अगर बाहर वाला इससे कोई रिश्ता जोड़े तो इसे कितना गुस्सा आता है। याद है ना, शादी करके जब आई थी, पहला ही दिन था, शहीदन ने इसे भाभी कह दिया था, तो इसको कितना बुरा लगा था और शहीदन को कितना डांटा था। इसे बहुत चिढ़ है जब इसे कोई भाभी कहकर पुकारता है। हमारे घर के पीछे वो जो खाला रहती है जो कपड़े इस्त्री करती है, एक दिन शकरा भाभी को उन्होंने पूछ लिया, बहू आपको कोई कपड़े इस्त्री करवाने हैं या धोने देने हैं तो हमें बता दीजिए। शकरा भाभी को इतना गुस्सा आ गया कि चप्पल उतार के उसे मारने लग गई और ये कहा, मैंने तेरे बेटे से शादी की है जो तू मुझे बहू साहब कह रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमें मेम साहब बुला करो। खाला थर थर कांपने लग गई, रो रही थी बेचारी बूढ़ी औरत। तौबा तौबा, न जाने कैसी औरत, इतनी बूढ़ी औरत पर हाथ उठा दिया। अरे उन्होंने कोई गाली थोड़ी ना दी थी, सिर्फ बहू ही तो कहा था। बताइए अब आबिद भाई ऐसी औरत को घर ले आए हैं? शाकरा को तो रिश्तों की अहमियत ही नहीं है, अब उस पागल औरत का जिक्र करके क्या फायदा? अगर दुश्मन अकलमंद है तो खतरा कम है, अगर दुश्मन पागल है तो खतरा बहुत बढ़ जाता है। हमें शाकरा भाभी के अलावा जिंदगी में बहुत सारे गम है। वो कैसे? गुलफाम कल रास्ता रोके हमारे सामने खड़ा हो गया था। हाय अल्लाह, वो तो बड़ा बदतमीज है, जिस घर में रहता है उसी घर की बेटी पर बुरी नजर डालता है। शर्म नहीं आती बेशर्म को? हमारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था और कह रहा था दे दे जकात हुस्न की, खुदा तेरा भला करे। हाय अल्लाह, हुस्न की जकात मांग रहा था और न जाने क्या क्या बोले जा रहा था, हमने तो कुछ सुना ही नहीं। पर हाँ इतना जरूर सुना कि वो कुछ आशिकी की बातें कर रहा था। हाय अल्लाह, बड़े अबू ने जिस पर एहसान किया, जिनकी वजह से वो इस घर में रह रहा है, उन्हीं की बेटी पर बुरी नजर डालता है, एहसान फरामोश कहीं का। हमने तो ये भी कहा कि हम शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ है, हमसे ऐसी बातें ना कीजिए। या अल्लाह, क्या जमाना आ गया है, जिसकी थाली में खाता है उन्हीं की थाली में छेद करता है। ये तो कुछ भी नहीं, हमसे कहने लगा जिसके काबू में दिल ना हो वो गरीब क्या करे। इसकी बेकाबू आशिकी को दो चाबुक मारकर मैं दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। ये सब बातें तुम बड़ी अम्मी को जरूर बताना। अम्मी और अहमद भाई उसे बहुत अच्छा समझते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उनके सामने शराफत का चोला ओढ़े बैठा है। एक बार तुम उसे मुझसे मिलवाओ, उसके शराफत का चोला तो हम नोच कर फेंक देंगे। अम्मी से बात की तुमने? कर लेंगे। कर लेंगे? क्या कर लेंगे? आज की बात कल पर मत टाला करो। अब कभी तो हमसे प्यार से बात कर लिया करो, अब देखो आपके सिर पे सिर्फ गुस्सा सवार रहता है। हमारी शादी हुई है, आपने एक बार भी हमसे प्यार के दो मीठे बोल बोले, हमेशा पैसा, प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड, बस इन्हीं चीजों की फिक्र होती है आपको। अरे जितनी मोहब्बत आप प्रॉपर्टी से करते हो उसकी आधी तो हमसे कर लो, और हमसे क्या, आप तो किसी भी इंसान से प्यार नहीं करते। आबिद, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ही हम हैदराबाद छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, और तुम कहते हो कि हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते। आबिद, तुम्हारे भाई, तुम्हारी अम्मी, बहन सब तुम्हें पागल समझते हैं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, और यही सब देखकर हमें गुस्सा आता है। आबिद, तुम्हारे दिल में उन लोगों का डर इस कदर भर गया है कि
तुम उन लोगों के सामने कब 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 कांपते हो? अब तुम बताओ, हमारा गुस्सा करना जायज है या नहीं है? आप भी तो गुस्सा करके हमें डराती हैं। हम गुस्सा नहीं करते, हम तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं जो तुम्हें बात समझ में नहीं आती। हमने तुमसे एक छोटा सा काम कहा कि अपनी बेटी मासूमा को किसी हॉस्टल में डालो ताकि वो हमसे और हमारी नजरों से दूर रहे, बट नहीं, तुमसे इतना सा भी काम नहीं हुआ। अरे शाकरा, ये हम कैसे कर सकते हैं? फिर मासूमा हमने नरगिस को दे दी है तो उस पर हमारा कोई हक नहीं बनता। वो तुम्हारी बेटी है, नरगिस का उस पर क्या हक? शाकरा, आपको याद होगा, शादी से पहले आपने हमसे एक शर्त रखी थी, इस बच्ची को जाके किसी यतीम खाने में दे दो या फिर जाके गोमती नदी में फेंक दो। हम इस बच्ची को नहीं पाले, हमने वही किया जो आप चाहती थी। मासूमा को गोमती नदी में फेंकने जा रहे थे कि तभी नरगिस ने हमसे वो बच्ची ले ली। खुदा के लिए इसे गोमती में ना फेंके, इसे हम पालेंगे। और हमने नरगिस से कह दिया था कि आज के बाद ना ही इस बच्ची से मेरा कोई रिश्ता है और ना ही मैं कोई वास्ता रखूंगा और ना ही तुम मुझसे किसी किस्म की उम्मीद रखो। अब आप ही बताइए, हम कैसे नरगिस से कह सकते हैं कि अब मासूमा को हॉस्टल में डाल दे? आबिद, तुम सारा इल्जाम हम पर लगा देते हो। डॉक्टर, हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, अब हमसे जब जो करने के लिए कहती है हम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। उसके बावजूद भी आपके दिल में ये शिकायत है कि हम आपका कहा नहीं मानते। शाकरा, हम आपका एहतराम और इज्जत इस तरह करते हैं जैसे कोई गुलाम अपने आका का, और आज आपके इस गुलाम की एक इल्तिजा है आपसे, आप एक बार खुल के खिलखिला के हंस दीजिए। हमें यकीन है आपकी हंसी देखकर रेगिस्तान के शहरे में भी बाहर आ जाएगी। जब से आप हमारे इस घर में आए हैं, हमने पहली बार आपको हंसते हुए देखा है। देखिए, हम आपके लिए बहुत अच्छी हकीम अशुफ्ता की दवाई लाए हैं, इसे खा के आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। और आप ये जो अंग्रेजी दवाई देती है ना, ये भी आप बंद कर लेंगे। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, मैं बेवजह जहमत उठाई। अरे इसमें जहमत की क्या बात है, आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा हूँ। अगर मानिए तो मैं आपका सब कुछ, और ना मानिए तो कुछ भी। क्या हकीम की दवाई तो बहुत कीमती होती है, अब तो अंग्रेजी दवाई खाते हैं। ये आपकी जिंदगी से तो कीमती नहीं है ना अम्मी, और वैसे देखा जाए तो इसकी कीमत तो बस आपकी जान का सदका है। इन दवाओं से कोई नुकसान नहीं होता अम्मी। अरे बेटा, तुम बड़ी प्यारी बातें करते हो, दिल करता है कि बस तुम्हारी बातें सुनते रहे। तुम बड़े ही लायक फरमा बरदार साहबजादे हो। ऐसा कुछ नहीं ऐसा आप सोच रही हैं, ये तो आपकी मोहब्बत है। अरे बेटा, आजकल तो बड़ा ही खराब जमाना हो गया है, बच्चे अपने बुजुर्गों की इज्जत करना ही भूल गए हैं। जमाना चाहे कितना ही बदल जाए, अम्मी हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। हाँ, ये होती है खानदानी बच्चों की बातें। आपकी खिदमत करने का हमें मौका मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा। बेटा, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। अरे मैं कहाँ ख्याल रख पाता हूँ आपका, जैसे मैं चाहता हूँ। अरे नरगिस बेटा, कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ, बैठ तो जाओ नरगिस। हाँ नरगिस, बैठो। अरे बेटा, गुलफाम तो माशाल्लाह
बहुत ही अच्छा लड़का है, इतना ख्याल रखता है हमारा। बचपन में ही इसकी माँ का इंतकाल हो गया था, तो माँ के प्यार के लिए बड़ा ही बेकरार था। इसने हमें अपनी माँ बना लिया है, हमने इसे अपना बेटा बना लिया है। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? अरे बेटा, जैसे हमारे लिए आबिद अहमद है, वैसे ही गुलफाम भी। आज से हमारे दो नहीं, तीन बेटे। नरगिस, क्या हमने कुछ गलत किया? नहीं, ठीक किया। नरगिस बेटा, हमने कहा कि हमारे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो कहने लगे कि लाइए हम आपके सर में तेल लगा लेते हैं, मालिश कर लेते हैं। हमने मना कर दिया, हमने कहा कि अच्छी बात नहीं है, हम दर्द की दवा खा लेंगे। क्या कहें, गुलफाम ने तो हमारा दिल जीत लिया। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। गुलफाम बहुत ही अच्छा लड़का है। पूछो तो ऐसा लायक लड़का हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। आप जैसी इतनी हसीन खूबसूरत बीवी को वो कौन बदनसीब मर्द है जो छोड़ के चला गया? पीरी फकीरी लेके हम दर पे तेरे सदा करें, दे दे ज़कात हुस्न की, खुदा तेरा भला करे।